दोस्तों हमारा अगला मैच जो है श्रीलंका और बांग्लादेश का रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको मेनली बोलूंगा कि बॉलर्स के ऊपर आपको भरोसा करना है। ये सारे वो बॉलर्स हैं जिन्होंने हालिया समय में काफ़ी गजब की बॉल किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ से वीर राजापक्षे, गुना रत्ने, ये पाँच वो प्लेयर हैं जिनको कोई नहीं ले रहा है, लेकिन ये पाँचों प्लेयर ने इस समय काफ़ी अच्छी बॉल किया है, जिसमें से नंबर वन प्लेयर रहेगी रबिया खान। भले इसका नाम बॉलर्स में है, लेकिन ये एक ऐसी प्लेयर है जो कि बल्लेबाजी में भी आपको रन बना करके देगी ही देगी, और फिर बॉलिंग से भी आपको चार ओवर पूरा करेगी। बांग्लादेश की टीम की सबसे मेन बॉलर है, इसको लेना जरूरी है, चाहे कोई ले या ना ले। ये एक ऐसी प्लेयर है जो कि इस समय ही नहीं, आखिरी के चार सालों से बांग्लादेश की नंबर वन बॉलर है, क्योंकि इस मैच हो रहा है दम्बुल्ला में हो रहा है। यहाँ पर जो भी टीम पहले बॉल कर रही है ना, जो भी टीम यहाँ पे पहले बॉल कर रही है, उनके बॉलर्स को लेकर के चलने का पूरा कोशिश करना है, क्योंकि चाहे पहले कमज़ोर टीम बॉल करे, चाहे पहले मजबूत टीम बॉल करे, उनके बॉलर्स को यहाँ पे कम से कम 6 से लेकर के 10 विकेट्स के करीब मिल रहे हैं। तो जो भी टीम यहाँ पे पहले बॉल करेगी, उनके बॉलर को लेना ही लेना है। मानो कि अगर पहले बांग्लादेश वाले पहले बॉल करें, इनके बॉलर्स को भी फिर लेना है, फिर क्योंकि श्रीलंका जीतने वाली है तो श्रीलंका के बॉलर भी जरूरी हो जाएंगे। लेकिन अगर मानो कि श्रीलंका वाले पहले बॉल कर रहे हैं, फिर वहां पे हम श्रीलंका के बॉलर्स को लेंगे, लेकिन बांग्लादेश के सिर्फ उन्हीं बॉलर्स को लेंगे जो कि जरूरी होंगे, जो कि मेन बॉलर होंगे, जैसे कि रबिया खान। ये एक ऐसी प्लेयर है, बल्लेबाजी में भी रन बनाएगी, फिर बॉल से भी ओवर करेगी। यू प्रबोधानी, अगर आप हालिया समय में श्रीलंका के जो मैचेस हुए हैं, श्रीलंका भी एक सीरीज खेल के आ रही है वेस्ट इंडीज के से, वहाँ पे यू प्रबोधानी ने 2 ओवर शुरू के ओवर से बॉल कर रही है, 1 ओवर आपको आखिरी के ओवर से बॉल कर रही है, और 1 ओवर बीच के ओवर से बॉल कर रही है। ये वो बॉलर है, क्योंकि सामने कमजोर टीम है, वहाँ पे शुरू के ओवर से आपको गजब की बॉल करके दे सकती है, क्योंकि मैच हो रहा है दम्बुल्ला में। यहाँ पे स्पिनर काफ़ी अच्छी कर रहे हैं आई प्रिया दर्शनी, आखिरी के 4 मैच में इसको 6 विकेट के करीब मिले हैं, और ऐसा बॉलर इसने कई बार काफ़ी अच्छी बॉल किया है। मैं अभी के लिए इसको लेकर के चलूंगा जरूर, क्योंकि इसके 4 ओवर कन्फर्म है। अगर आप यहाँ पे श्रीलंका के बॉलर्स को ध्यान से देखोगे तो एस कुमारी हो गई, यू प्रबोधानी हो गई, आई प्रिया दर्शनी हो गई, यहाँ से सी अत्तापत्तू हो गई, के दिलहारी हो गई, यही पाँच इनकी मेन बॉलर है, क्योंकि सामने कमज़ोर टीम है, क्योंकि सामने ऐसी टीम है जिनके 10 के 10 विकेट गिरने के चांस है। इसीलिए मैंने श्रीलंका के 5ों मेन बॉलर्स को अपनी टीम में लेने का सोचा है, क्योंकि वुमेन्स के मैचेस में हमेशा लो स्कोरिंग गेम होते हैं, तो वहाँ पे बॉलर्स ही वो प्लेयर होंगे जो कि हमें जिताएंगे। अगर आप सही में फैंटेसी में पैसे कमाने आए हो, और कभी भी अगर आप परसेंटेज के आधार पे टीम बना रहे हो, कभी भी नहीं जीत पाओगे। मेनली आपको कहूँगा कि अपना रिसर्च करो, उन प्लेयर्स को लो जो प्लेयर को सबसे ज़्यादा चांस मिलेगा, और चांस जब मिलेगा तो वो प्लेयर आज नहीं तो अगले मैच में आपको ज़रूर जिताएंगे। जैसे कि आप आई प्रिया दर्शनी हो गई, वो प्रबोधानी हो गई, ये सब वो प्लेयर हैं जिनको 3-3, 4-4 ओवर पूरा मिलेगा ही मिलेगा। और फिर ये सारे वो प्लेयर हैं, क्योंकि ये दोनों प्लेयर को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जीतने वाली टीम की प्लेयर है, इसको इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये नई बॉल से शुरू की ओर से बॉल करेगी। मानो कि बांग्लादेश की टीम पहला ओवर करेगी, फिर तीसरा ओवर करेगी, और फिर कई बार इसने 20वें ओवर में भी बॉल किया है, और ये वो बॉलर है जिसने हालिया समय में बांग्लादेश की टीम की ओर से सबसे अच्छा बॉल किया है। कोई भी मैच हो, कोई भी टीम हो सामने, इसने सभी के सामने अच्छा बॉल किया हुआ है, और हर मैच में 4 ओवर पूरा कर रही है, 2 ओवर शुरू में कर रही है, 1 ओवर आपको आखिरी के ओवर से बॉल कर रही है, क्योंकि सामने श्रीलंका टीम है, ये भी कोई बल्लेबाजी में इतनी सही टीम नहीं है, तो इनके भी विकेट जरूर गिरेंगे। वहां पे मैंने दोनों मेन बॉलर्स को लिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने वीर राजापक्षे को क्यों लिया है, श्रीलंका की ओर से ये अकेली प्लेयर है जिसने आखिरी के 10 में से 2 ऐसे मैच हुए जहां पर ये फ्लॉप हुई है, 20 ओवर के मैच हुए, यानी कि इस समय ये फॉर्म में है। चाहे सामने कोई भी टीम हो, चाहे सामने मजबूत टीम हो या कमजोर टीम हो, गुणरत्ने बल्लेबाजी में ओपनर आकर के 20 ओवर के मैच में हर मैच में रन बना रही है, और इस समय सामने कोई इतनी भी मजबूत टीम नहीं है, तो इसको लेना जरूरी है। मेनली मैं इसको लेकर के चलने की पूरी कोशिश करूंगा। एंडी सिल्वा को लेने का कोई रोल नहीं है, क्योंकि 20 ओवर का मैच है, क्योंकि सामने कमजोर टीम है,
और ये वो प्लेयर है जो कि बल्लेबाजी में 6 नंबर पे आएंगे, जो कि इनकी फिनिशर है। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि एंडी सिल्वा बेकार प्लेयर है, खराब प्लेयर है, बल्कि मैं आपसे कहूँगा ये जितने भी प्लेयर है ना, ये जितने भी प्लेयर है इनमें बल्लेबाजी में श्रीलंका की तरफ से नंबर वन प्लेयर अगर कोई है वो तो उसका नाम है एंडी सिल्वा। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि 4 नंबर पर भी नहीं आ रही है, 5 पर भी नहीं आ रही है, 6 नंबर पर आ रही है। अब 20 ओवर का मैच है तो इतना नीचे आ रही है ना कि कई बार इसको बल्लेबाजी में चांस ही नहीं मिल रहा है। कई बार जब इसकी चांस मिल रहा है वहां पे ये 5 बॉल 10 बॉल बस इतना ही खेल पा रही है, इसी वजह से ज्यादातर भाई ये फ्लॉप हो जा रही है। मेनली अगर श्रीलंका वाले पहले बल्लेबाजी करेंगे वहां पे इसको ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे श्रीलंका वाले पहले बॉल करेंगे वहां पे लेने की गलती मत करना, क्योंकि ये बल्लेबाजी में काफी नीचे आएगी। अभी मैंने मधावी को लिया है जो कि 3 नंबर पे आएगी, और उसके अलावा ये मेरे वो प्लेयर है जिनको मैं श्रीलंका की ओर से लेकर के चल रहा हूँ। अब जो बचे हुए प्लेयर हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ पे कला सूर्या या फिर के काविंदी या फिर यहाँ से कंचना, ये जो 3 प्लेयर है इनमें से कोई एक प्लेयर खेलेगी, और चांस ये कि कला सूर्या को खिलाना चाहिए, और अगर ये खेलेगी तो ये आपको 2 से 3 ओवर बॉल ही करने वाली है, यानी कि इसके ओवर भी कम किए जाएंगे। इसी वजह से मैंने अभी के लिए लिया नहीं है, और मैं आपको मेनली कहूँगा कि इस वाले मैच के लिए कौन कौन से प्लेयर जो कि कैप ओबीसी के लिए अच्छे हैं, जिसमें पहला नाम आएगा सी अत्तापत्तू का, दूसरा नाम आएगा के यहाँ पे दिलहारी का, और तीसरा नाम यहाँ पे रहेगा सुगंधिता कुमारी का। ये वो बॉलर है क्योंकि स्पिनर है, और स्पिनर इस वेन्यू पे अच्छा बॉल भी कर रहे हैं, सामने कमजोर टीम भी है, कभी भी इसको गुच्छों में 2-3-4 ऐसे विकेट्स मिल सकते हैं। तो ऐसा बॉलर, ये 3 वो प्लेयर है जो कि सबसे जरूरी रहेंगे कैप और वीसी के लिए, जिसमें कैप बना करके सी अत्तापत्तू को ही चलना है। लेकिन के दिलहारी कई बार बॉलिंग से फिर वहां पे फ्लॉप भी हो सकती है, तो इसको वीसी ना बना करके वहां पे एस कुमारी को बनाया जा सकता है, जब यहाँ पे श्रीलंका वाले पहले बॉल करेंगे, पहले बॉल होगा वहां पे एस कुमारी को भी वीसी बना करके चल सकते हैं। और बांग्लादेश की टीम के मेन प्लेयर्स में अगर आप चेक करोगे तो इनमें वो प्लेयर जैसे एम खातून ओपनर आएगी, आर मोनी काफी नीचे आएगी, एस मोशेरी तीसरे पे आएगी, और इनकी जो मेन प्लेयर वो ये दोनों हैं। बल्लेबाजी में दी अख्तर जो है ओपनर आएगी, है ना, और एन सुल्ताना जो है 4 नंबर पे आएगी, और ऐसा कीपर भी खेल रही है, और इस समय बांग्लादेश की टीम की ओर से कप्तानी भी कर रही है, तो इसको लेना जरूरी है, क्योंकि ये वो प्लेयर है जो कि रन भी बनाएगी, जो कि ऐसा कीपर आपको कैच वगैरह भी करेगी, और इस समय फॉर्म में भी है। यहाँ से आपको कहूँगा कि एम खातून को, आर मोनी को, या फिर यहाँ से दी अख्तर को ले सकते हैं। अभी के लिए मैं एम खातून को लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन इसको मैं तभी लूंगा जब बांग्लादेश वाले पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर मानो कि बांग्लादेश वाले पहले बॉल कर रहे हैं वहां पर, फिर मैं इसको ना लेकर के किसी एक्स्ट्रा बॉलर जैसे कि एन अख्तर या फिर एस खातून, इनमें से किसी को लेकर के चलूंगा, या फिर एस अख्तर या फिर एस खातून इनमें से। लेकिन अगर बांग्लादेश वाले पहले बल्लेबाजी करेंगे वहां पर मजबूरी में एम खातून को लूंगा, लेकिन मेरा मन यह है कि मैं किसी भी बॉलर को लेकर के चलूं। और फिलहाल के लिए अगर आप इस समय का चेक करोगे, मैंने सुल्ताना को लेने का नहीं सोचा है, क्यों, क्योंकि ये वो बॉलर है जो कि कई बार इसके ओवर कम किए जाते हैं, कई बार 3 ही ओवर बॉल करेगी, कई बार ये खेलेगी भी नहीं, कई बार ऐसा भी होगा कि इसको खिलाएंगे ही नहीं, तो इसीलिए मेरा मन ये है कि मैं एस अख्तर या फिर यहाँ से एन अख्तर में से किसी को लेकर के चलूँ। अभी के लिए मैंने ये टीम बनाने का सोचा है, जिसमें 1-2 प्लेयर चेंज होंगे, फाइनल टीम नहीं है। अभी के लिए मैं कैप सी अत्तापत्तू और वीसी के दिलहारी को लेकर के चल रहा हूँ। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है, मेनली तब के लिए है जब यहाँ पे बांग्लादेश वाले पहले बॉल करेंगे। फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी मैं टॉस होने के बाद अपने इसी वाले टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपनी फाइनल टीम आपको भेजूंगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पिन के मिलेगा। अभी के अभी फ्री में ज्वाइन कर लेना, इसी चैनल पे मैं अपनी फाइनल टीम आपको भेजूंगा, जिस भी टीम से मैं खुद अपने पैसे लगाऊंगा। चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, आपके लिए फ्री का लाल बटन है, इसके लिए हम काफी मेहनत कर रहे हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।